सिर्फ 10 से 15 मिनट है और आपका दिल कर रहा है सूप पीने को, तो ये सूप आप ट्राई करिएगा। और भी मतलब सूप तैयार है, इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। और वाह वाह वाह, देखने में मजा मजे लग रहा है, वही हाल है जो आपका देख के हो रहा है। चलिए मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी तहमीना अजीज एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल तहमीना वर्ल्ड। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है ज़बरदस्त सिंपल चिकन सूप। अगर आपको बहुत जल्दी है और आपके पास सिर्फ 10 से 15 मिनट है और आपका दिल कर रहा है सूप पीने को, तो ये सूप आप ट्राई करिएगा। तो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। तो आपने लेना है 1/2 kg हड्डी वाला आपको चिकन चाहिए होगा, उसमें आपने 4 से 5 अदद लहसुन के जब्बे डाल देना है, 1 teaspoon सॉल्ट ऐड कर देना है और 9 glass आपने उसमें पानी डाल देना है। इतना कुक करना है उसको कि पानी जो है वो 5 glass रह जाए। अच्छा जी, टाइम को बचाने के लिए जो जो प्रोसेस मैंने आपको बताया है ये मैंने कर लिया है। अब मज़ीद इसमें क्या चीज़ें चाहिए मैं आपको वो बता देती हूँ। अच्छा जी, आपने क्या करना है जनाब, यखनी को आपने सेपरेट कर लेना है और चिकन को आपने सेपरेट कर लेना है। चिकन के पीसेस को आपने इस तरह से अलग अलग कर देना है, छोटा छोटा, और रेशे वाली फॉर्म में लेके आ जाना। जैसे कि आप देख सकते हैं हड्डियाँ जो होंगी वो भूखों को दे दीजिए, बाकी जो चिकन होगा वो हमें चाहिए होगा। अच्छा, सीन ऐसा है कि यखनी को मैंने दोबारा से मीडियम फ्लेम में रख दिया है ताकि उबाल आ जाए। 3 अदद अंडे चाहिए होंगे और ये आप देख सकते हैं इसकी सफ़ेदी चाहिए, हमें जर्दी नहीं चाहिए। हमें वेनेगर चाहिए होगा 2 tablespoon, सोया सॉस चाहिए होगा 2 tablespoon, चिली सॉस चाहिए होगा 2 tablespoon, और इसके साथ हमें चाहिए होगा कॉर्नफ्लोर, ये 1/2 cup कर लीजिए, ये आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा जी, सॉल्ट चाहिए होगा आपको एज़ रिक्वायर्ड, जितना आपको पसंद है, वैसे 2 teaspoon मज़ीद कर लीजिए या 1 teaspoon कर लीजिए, ये एज़ रिक्वायर्ड ही होगा। अच्छा जी, 2 teaspoon इसमें जाएंगी ब्लैक पेपर। तो ये देखिए यखनी को उबाल आ चुका है पीपल। अब इसमें शामिल करते हैं चिकन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और मीडियम फ्लेम में इसको पका रहे हैं, थोड़ा सा इसको हिलाया शिलाया। अब इसमें कॉर्नफ्लोर डालना है। अच्छा जी, अब लेते हैं एक प्याली, इसमें 1/2 cup कॉर्नफ्लोर जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था डाल दिया, और पानी जो आप अंदाज से डालेंगे, ठीक है जी, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके और चम्मच हिलाते जाएँ कि ये लिक्विड फॉर्म में आ जाए, इसमें कोई गुटली जो है बाकी नहीं रहे। ये देखिए ये बन चुका है। अब जनाब इसको सूप में आहिस्ता आहिस्ता डालते हैं, साथ साथ चम्मच हिलाते जाइए, वरना अगर आप एकदम डालेंगे तो ये गुटली बन जाएगी। ये देखिए इसको मैं हिलाती जा रही हूँ, और जैसे ही मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड किया है एक अजीब तरह की थिकनेस जो है वो महसूस हो रही है मुझे चम्मच हिलाते हुए। अब इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया 1 teaspoon, ब्लैक पेपर 2 teaspoon, वेनेगर 2 tablespoon, सोया सॉस और चिली सॉस, ठीक है जी। अब इसमें अंडे शामिल कर देते हैं, और अंडे शामिल करते हुए भी चम्मच आप हिलाते जाएंगे, और जनाब इसको 3 से 4 मिनट मज़ीद जो है वो हम छोड़ देते हैं मीडियम फ्लेम में, मज़ीद कुक हो जाइए। और पीपल ज़बरदस्त सूप तैयार है, अब इसको मैं बाउल में निकाल लेती हूँ। और वाह वाह वाह, देखने में ही बड़ा मज़े का लग रहा है, वही हाल है जो इस वक्त आपका देख के हो रहा है। चले जी मैं इसको टेस्ट करके बताती हूँ, ये देखिए कितना थिक है, कि ये टेस्ट में कैसा है। 10 से 15 मिनट में सूप तैयार। चलिए जी इसको मैं डालती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जरा मैं इसको ठंडा कर लूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाह सुभान अल्लाह, ये बहुत मज़े का है, बहुत मज़े का है और बहुत मज़े का है, और मैं ज़रा जज्बाती हो गई हूँ, तो मैं इसको पीती हूँ। आप ऐसा करिए कि मेरी इस रेसिपी को अपनी खाला फूफो चची नानी दादी सबके साथ शेयर कर दीजिए, मुझे इजाज़त दे दीजिए, दुआ में याद रखिएगा। बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।